नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। सितारगंज के बेरुआ बाग में सड़क हादसों को लेकर क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों ने आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों द्वारा स्टोन क्रशरों को बंद करने सहित भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सिडुअल से लेकर बेरुआबाद तक सड़क बुरी तरीके से टूटी हुई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन मौतें भी हो रही हैं। उधम सिंह नगर से चरण सिंह सरारी की रिपोर्ट। धन्यवाद। व्यक्ति हमारे समर्थन में है तो हमारे बीच ग्राम सभा बनपुरी से हमारे भाई जो कि सहयोग और साथ देने आए, भाई राजू नदवी। आज बड़े दुख के साथ हमें हमारे रोड में चल रही है, इतनी भयंकर हर घर का चिराग बुझ रहा है और हमारे वैकल्पिक मार्ग हो जाए वहाँ, और जो ये गाड़ियाँ तब तक जो ये गाड़ियाँ हैं ये कम मतलब डेढ़ से कम होगी हमारी, और जो पट्टे उनमें जिनके हैं एक ही चक्कर लगाए, जिससे हमारे गांव की जनता बच जाएगी। छोटे छोटे बच्चे अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चे तो इधर उधर करते, जब सयानों का ऐसे ठोक जा रहे तो बच्चा ही है। तो इस यही हमारी एक सूत्री मांग है कि हमारी मांग यही है कि वैकल्पिक मार्ग किया जाए, जिससे हम आज धरने में गाँव की जनता को, इन्होंने भोली भाली जनता को इतना बेकार बना दिया, इतना वो बना दिया, आज सब रो रहे हैं घर में। देखो आप कल एक एक्सीडेंट हुआ सितारगंज का, अच्छा लगा अभी वो माँ वो वापस नहीं आए, 7 दिन में 7 मौतें हो गई हैं, हम इतने दुखी। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये रोड की मांग जल्दी करें और यहाँ बच्चे हम सुरक्षित जाएँ। आज किसी का बच्चा सितारगंज या बाहर कहीं स्कूल नौकरी करने जाता ये उम्मीद नहीं हो सही सलामत घर आए। बस हम प्रशासन से एक ही मांग रखना चाहते हैं कि ये रोड का करें, और खनन जो मालिक हैं हमको खनन से कोई आपत्ति नहीं है, रोजगार से सिटकुल से कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ वैकल्पिक मार्ग। ये प्रशासन तो आज तक सोया पड़ा है, अब इसकी नींद कम से जागे, कुंभकर्ण की नींद में सोया है। और उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ियाँ इस ढंग से छूटनी चाहिए, फिर भी वह हमारी यही मांग है। गांव पिछले 15 दिनों से अचानक खनन को लेकर क्षेत्र में दुर्घटनाओं की ऐसी बाढ़ सी आ गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, बार बार ऐसा लग रहा था कि चलो अब कुछ सही हो जाएगा, अब कुछ सही हो जाएगा, पर कल के एक्सीडेंट ने मन को इतना आहत किया। ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग बोले कि अब ये व्यवस्था शायद ऐसे सही ना हो, इसलिए आज स्टोन क्रेशर बंद करो और वैकल्पिक मार्ग को लेकर छोटी छोटी हमारी कई ऐसी जायज मांगे हैं जो मानने योग्य हैं, पर ये लोग जो अधिकारी वर्ग है और ये जो क्रेशर वर्ग है, खनन विभाग है, ये बिल्कुल हठधर्मिता अपनाया हुआ है और ये चाहता है कि सिस्टम ऐसे ही चले, सिस्टम में किसी तरीके का बदलाव ना हो। पर हम लोगों के साथ मजबूरियां ये हो रही हैं कि प्रतिदिन ये जो दुर्घटनाओं में क्षेत्रीय लोग जान गंवा रहे हैं, इससे हर व्यक्ति पूरे गांव क्षेत्रों में, कई नगरी क्षेत्रों में डरा हुआ है। अब इस रोड में आदमी आने से डरने लगा है और इस सड़क का नाम खूनी सड़क रख दिया है। तो ये सब मजबूरियां थी जिनको लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मुख्य मांगे ये हैं, एक तो यह मार्ग का तुरंत ही पुनर्निर्माण किया जाए, खनन पट्टे में चलने वाले वाहनों का चक्कर एक किया जाए, अवैध रूप से नदियों के ऊपर बनाए गए रपटे जिनकी वजह से जिन स्टोन क्रेशरों के मार्ग यहाँ से नहीं है वह भी हमारे वहाँ से जा रहे हैं, उन रपटे को तुरंत ध्वस्तीकरण किया जाए। इसी के साथ किसी का भी अगर खनन वाहन या ऐसी किसी खनन से जुड़ी इकाई से अगर एक्सीडेंट दुर्घटना होती है उसको तुरंत ही एक उचित मुआवजे का प्रावधान किया जाए। ये छोटी छोटी मांगे ऐसी हैं जिनको लेकर ग्रामीण बड़े आहत चल रहे हैं, और ये शासन और इन स्टोन क्रेशर मालिकों के लिए मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपको आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में आंदोलन, सब तो कहते हैं उग्र होता है, ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें ये जन आंदोलन का पहला ऐसा आंदोलन जिसमें आदमी स्वयं आ रहा, हमने किसी को नहीं बताया, बुलाया, बैठे, अपना बैठ गए और लोग बात आते जा रहे हैं, सहभागिता बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन और स्कूल टीचर को बताना चाहता हूँ कि जो आपको ग्रामीणों की मांगे उचित लग रही है वह तुरंत मानिए। पहले तो मैं आपके माध्यम से उस परिवार के दुख में शामिल होता हूँ और जो घटना घटित हुई है उनके साथ हूँ मैं। महोदय, ये घटना जो है ऐसे घटित होती रहेंगी, इसका जब तक कोई एक ठोस कदम नहीं सरकार उठाएगी या शासन प्रशासन नहीं उठाएगा तब तक इस घटना को कोई नहीं रोक सकता। सबसे मेन चीज़ ये है कि सिडगुल बना, सिडगुल के टाइम में ही इसको चौड़ीकरण करके फोर लाइन बनानी चाहिए थी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज लगभग 10,000 गाड़ी है, जिसमें खनन की गाड़ी भी है, सिडकुल की गाड़ी भी है, प्राइवेट गाड़ी भी है, आना जाना है, लेकिन रोड वहाँ का वहाँ है। मेरी तो सरकार से ये मांग है कि इस रोड को सितारगंज से लेकर चोर गलिया तक चौड़ीकरण करके इसको 4 लेन बनाया जाए। और हम एक आज मैं ट्रांसपोर्ट होने के अध्यक्ष होने के नाते एक चीज़ और कहता हूँ कि मैं माननीय SDM साहब से और माननीय DM साहब से और माननीय विधायक जी साहब से आपके द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग करता हूँ कि जब तक अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तब तक एक टेम्परेली काम करने के लिए ये जो हमारा रोड है, रोड के साइड साइड में सरकारी जगह है, वो रोड की जगह है। मैं अपनी ट्रांसपोर्ट की पूरी गाड़ी दे दूंगा, उसमें मिट्टी और डीजल सरकार दे दे और हम नदी से उठा के परमिशन DM साहब दे दे तो उठा के हम साइड साइड में मिट्टी डाल के रास्ते को चौड़ा भी कर सकते हैं जब तक सरकार से कोई नहीं होता। दूसरा और सबसे जो अहम बात यह है कि सरकार द्वारा स्टॉक बंद कर दिए गए हैं, वो तो सरकार के हाथ में है। अगर आज चोर गलिया में स्टॉक खोल दिए जाएंगे तो लगभग 2,000 गाड़ी चोर गलिया को डेबिट हो जाएगी। जो हमारा ये रोड है सितारगंज से सोना और बरुआ बाग होते हुए जो जाते हैं, इसमें जो अति अपना जाम की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। मेन चीज़ है स्टॉक खोलने बहुत जरूरी है, इसको सरकार को जल्दी से जल्दी इसमें कदम उठाना पड़ेगा, कैबिनेट बुला के इसको पास करना पड़ेगा, नहीं तो इसको ये जो घटना हो रही है इसको कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि जगह कम है, निकलने वाले ज़्यादा हैं।